टुडेज़ हिस्ट्री के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 जून के इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में। मात्र 15 साल ही जीवित रहने वाली प्रसिद्ध जर्मन लेखिका एनी फ्रैंक का जन्म आज के दिन ही हुआ था। उनकी डायरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। इस डायरी में 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 के बीच उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटा उसका ब्यौरा लिखा हुआ है। यह डायरी उन्हें 13वें जन्मदिन पर तोहफे के रूप में मिली थी। वह यहूदियों पर हुए अत्याचार की एक सबसे ज़्यादा चर्चित पीड़ित हैं। उनकी युद्धकालीन डायरी का नाम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल है। बाद में उन्हें पकड़कर बर्गन बेल्सन प्रताड़ना केंद्र भेज दिया गया, जहां उनकी टाइफन की वजह से मौत हो गई। सन 1975 में आज के दिन ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी पाया। अदालत ने इंदिरा गांधी पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने की रोक लगाई थी। न्यायालय ने इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव में जीत को अवैध करार दिया और उन्हें कुर्सी छोड़ने का आदेश भी दे दिया, लेकिन इंदिरा गांधी अदालती आदेश को अनदेखा कर गईं। दरअसल सन 1971 के चुनाव में मिली हार के बाद विपक्ष के नेता राज नारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और अदालत ने याचिका दाखिल होने के 4 साल बाद अपना फैसला सुनाया। आदेशों की अनदेखी के कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगा और इंदिरा गांधी ने इस विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए 25 जून सन 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जागरूकता पैदा करने के लिए 2002 में विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना है। बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विभिन्न धाराओं के माध्यम से कहता है कि 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जाएगा। हालांकि फैक्ट्री कानून 1948 के अकॉर्डिंग 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन 4.5 घंटे की कार्यावधि की अनुमति देता है। सन 1992 से प्रतिवर्ष रूस में यह दिवस मनाया जाता है। आज के दिन ही रूस ने सोवियत संघ से आज़ाद होने की घोषणा की थी। टुडेज़ हिस्ट्री के आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।